आ रही है, फिर भी आ रही है। जो वादा किए हैं उसको हम पूरा करेंगे, और हमारा डीएनए भी शुद्ध है। नीतीश जी का कोई ठीक है? ऐसा कोई सरकार है जिसको नीतीश जी का ठगा रहे? सब की महान जनता को प्रणाम सलाम करने आए हैं। आप सब लोग ज्यादा समय नहीं, 5 मिनट का समय मिला है। 15 साल से डबल इंजन की सरकार है, 15 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है। यहाँ बड़ी संख्या में नौजवान है। आप बताओ, नीतीश कुमार जी ने रोजगार दिया? जो लोग बेरोजगार है हाथ उठा करके बताए। ना बेरोजगारी दूर कर पाए, ना पलायन रोक पाए, ना गरीबी मिटा पाए, ना भुखमरी मिटा पाए। 15 साल से एक कारखाना तक नहीं लगने दिया, एक कारखाना तक नहीं। देखिए, नवरात्र का शुरुआत हो गया, आप सबको शुभकामना हम देते हैं। लेकिन हम कलश बैठाए कल है, और कलश जब बैठाता है आदमी तो संकल्प लेता है। हमने कल संकल्प लिया है कलश बैठाने के समय कि अगर सूर्य जना की जनता एक मौका देगी कि नहीं देगी, 5 साल के लिए एक मौका अपने भाई बेटा को देगी कि नहीं देगी, देगी तो हाथ उठा देते बताइए। तो समझ जाओ 10 नवंबर को रिजल्ट आएगा, 1 महीने बाद आपका भाई बेटा पहला कैबिनेट मीटिंग में पहला कदम चलेगा मुख्यमंत्री रहते हुए, तो 10 लाख नौजवान को फॉर्म आवेदन फॉर्म जो आप लोग भरते हैं नौकरी के लिए उसका फीस भी हम माफ करेंगे। इंटरव्यू देने जाते हो, परीक्षा केंद्र जाते हो, उसका किराया भी माफ करेंगे सरकार। इतना नियोजित शिक्षक है, समान काम समान वेतन का पूरा हम लोग करेंगे। नीतीश जी ने आप लोगों को जीविका दीदी, आशा दीदी, जितना विकास मित्र सब लोग स्वयं सहायता समूह जितने हैं उनको हम लोग नियमित करेंगे, और उनको रोजगार की व्यवस्था हम लोग कराएंगे, मानदेय भी हम लोग बढ़ाएंगे। काम आंगनबाड़ी दीदी जितनी सब लोग हैं स्वयं सहायता समूह सब लोगों को नियमित किया जाएगा, मानदेय बढ़ाएंगे कम से कम 4,000 रुपया। और यहाँ जितने बुजुर्ग माता है, जितने हमारे पिता के उम्र के बुजुर्ग हैं, अभिभावक है, कहीं नहीं मिलता है अभिभावक से, अभिभावक से नहीं मिलता, समय पे नहीं मिलता। 400 रुपया अगर मिलता है तो 400 मिलता है, अगर अपना बेटा को मौका दीजिएगा तो 400 से 1,000 रुपया हमको मिलेगा। अरे आप लोग साथ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अरे देखिए, प्रहलाद जी हमेशा लालू जी के साथ पार्टी के ईमानदार सिपाही के रूप में विपरीत स्थिति में भी सुख में दुख में हमेशा खड़े रहे हैं। इनको एक मौका दीजिएगा, प्रहलाद जी जीतेंगे, उधर से अमरेश जी लखीसराय से जीतेंगे, तब ना मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत लोग प्रत्याशी बन करके घूमता है लखीसराय का, लेकिन गलत फैमिली में मत रहना। वहाँ पंजाब के निशान पे अमरेश सिंह जी आप लोगों के उम्मीदवार हैं, इनको ही वोट दीजिएगा। यहाँ से प्रहलाद जी है, एक बार लखीसराय की जनता महागठबंधन सरकार को लाएगी, और 10 नवंबर को नीतीश जी का विदाई करेगी। तो विदाई होगा कि नहीं होगा? यहाँ देखो ये सरकार सारा साल रहिया, यहाँ एक नेता है घूम घूम करके झूठा मुकदमा करवाता है, फंसाता है आम जनता लोग, कितना दिक्कत में है, कठिनाई में है, सब लोगों को फंसाया जाता है। तो इन सब चीजों को हम लोग देखने का काम करेंगे। आपका भाई बेटा आपके साथ है।
तेजस्वी आपके साथ है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।